हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम फिरोज है। दोस्तों, अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या आपका फ्यूचर में प्लानिंग है मेडिकल स्टोर खोलने का, या आपको नॉलेज चाहिए कि मेडिकल स्टोर खोलने में कौन कौन सा प्रोसेस लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस लगता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा या ये मेडिकल स्टोर खोलने में कितना खर्चा लगेगा और कितनी कमाई हम कमा सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि क्या क्या होना एकदम ज्यादा जरूरी है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के। तो इसके पांच मेन इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो पांच स्टेप है, सबसे पहला जो है वो है एरिया। जो गाला आप ले रहे हो, जो मेडिकल के लिए आप रूम ले रहे हो, गाला ले रहे हो, उसका जो एरिया है वो 10x12 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अगर इससे कम है तो जो DI होता है वो आपका गाले का रिजेक्ट कर देगा, आप इसका मेडिकल नहीं खोल पाओगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जिसमें आप मेडिकल खोलना चाहते हो, उसका जो लंबाई चौड़ाई है दोनों मिला के 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। नहीं तो फिर उसकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट होनी चाहिए, जो लंबाई है 12 फीट होनी चाहिए, और जो इसका पूरा दोनों का अगर मिला लोगे तो 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। अगर इतना है तो ठीक है, अगर उससे कम हुआ तो आपको वो DI रिजेक्ट कर देता है। बहुत सारी जगहों पे DI को एक्स्ट्रा पैसा खिला के अगर कम रहता है तो भी अप्रूव करा लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। बाद में कभी जांच होगी तो आपका मेडिकल बंद हो सकता है। तो जो पहला है ये है, अगर आपका एरिया में थोड़ा भी ऊपर नीचे रहेगा तो आपका कभी भी गाला वहां पे मेडिकल नहीं खोलेगा। दूसरा है लीगल बिल्डिंग, जिसमें आप रूम ले रहे हो मेडिकल खोलने के लिए, वो जो बिल्डिंग हो वो लीगल बिल्डिंग हो, उस पर कोई केस ना हो सरकारी की तरफ से और कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो ये लीगल बिल्डिंग होनी चाहिए, सरकार की नजर में ना हो। नहीं तो अगर बिल्डिंग अगर इलीगल रहेगी तो आपका गाभी भी मेडिकल के लिए अप्रूव नहीं होगा। तीसरा जो है वो है 5-year agreement। 5-year agreement का मतलब ये है कि जो आप गाला ले रहे हो जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग का जो रूम है जहां पे आप मेडिकल खोल रहे हो, उसके लिए आपको 5 साल का अग्रीमेंट लगेगा। मुंबई में, महाराष्ट्र में 5 साल का है ये, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होगा। मुझे उसका इतना ज्यादा जानकारी नहीं है दूसरे स्टेट का, वहां पे मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे महाराष्ट्र में 5 साल का अग्रीमेंट लगेगा जिस रूम में आप मेडिकल खोल रहे हो। और अग्रीमेंट में क्या रहता है कि लाइट बिल रहती है और उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वही सब लगा रहता है रूम का, और उसको अग्रीमेंट बना देते हैं 5 साल का, जिस जो ले रहा है उसके नाम पे बना दिया जाता है। चौथा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है फार्मासिस्ट। विदाउट फार्मासिस्ट के कभी भी आप मेडिकल नहीं खोल सकते हो। फार्मासिस्ट के लिए कुछ कोर्स होते हैं, D-Pharma होता है, B-Pharma होता है और M-Pharma होता है। तो ये 3 कोर्स होते हैं। ये जो कोर्स किए होते हैं वो कोर्स जब कंप्लीट कर लेते हैं तब उनका लाइसेंस बनता है और उसके बाद इनको बोला जाता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट एक दो तरीके से होते हैं। अगर आप मेडिकल खोल रहे हो, खुद फार्मासिस्ट हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और फार्मासिस्ट आप नहीं हो तो आप इनको हायर कर सकते हो, 15,000-20,000 जैसा आपका रिक्वायरमेंट है। इनका लाइसेंस आप लेके आपको यहाँ पे अपने मेडिकल स्टोर में लगा देना है। तो फार्मासिस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो पांचवा है वो है फर्नीचर और फ्रिज। अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हो तो वहां पे आपको फर्नीचर दिखाना होगा और उसके बाद फ्रिज, ये दोनों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें से फर्नीचर और फ्रिज नहीं रहा तो DI आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ये जो 5 पॉइंट थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये 5 पॉइंट में अगर कहीं भी एक में भी गड़बड़ी निकली तो फिर आप अपना मेडिकल नहीं खोल पाओगे। तो सबसे बेसिक चीज ये 5 है। उसके बाद अगर आपका ये 5 कंप्लीट है तो क्या करना रहता है कि आपको जो फार्मासिस्ट का लाइसेंस है और जो अग्रीमेंट है और इसका जो फर्नीचर का ब्लूप्रिंट बोलते हैं, इसमें ये दिखाया जाता है कि आपका जो सेटिंग है मेडिकल की किस तरीके से आप लगाए हो, तो उसका डिजाइन ब्लूप्रिंट और ये आपको सबमिट करना रहता है। उसके बाद फिर DI आता है। DI आएगा,
डेट देगा, फिर वो आएगा, उसके बाद वो अप्रूव करेगा, फिर आप मेडिसिन रख सकते हो। तो ये बेसिक प्रोसेस है, एकदम सिंपल। जो एरिया है वो आपको 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए या 10x12 होना चाहिए। और दूसरा है, जो बिल्डिंग ले रहे हो वो लीगल बिल्डिंग होना चाहिए। तीसरा है, आपको एग्रीमेंट चाहिए 5 साल का। जो चौथा है, आपको फार्मासिस्ट होना चाहिए, आपको एक ही तो हायर करो, नहीं तो आप खुद हो। और जो पांचवा है, फर्नीचर और फ्रिज, ये दोनों मस्ट है, इसके विदाउट आपको मेडिकल नहीं खोल पाओगे। तो आप जान लेते हैं कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो तो कितना खर्चा लगेगा। तो इसमें मैं तीन तरीके से आपको बताऊंगा। एक तो है, आप नॉर्मली मेडिकल खोल रहे हो, ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो, या गांव में या रूरल एरिया में खोल रहे हो। दूसरा है, थोड़ा सा आप शहर में हो तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा लगेगा। और जो तीसरा है, आप बहुत ही हैवी खोल रहे हो, बहुत ही अच्छा खोल रहे हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या हॉस्पिटल में खोल रहे हो, या आप 24/7 खोल रहे हो, तो इसमें ज्यादा लगेगा। अब तीनों की बात करें तो तीनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो रूम लिए हो उसका डिपॉजिट देना पड़ेगा रूम का। तो अगर आप नॉर्मली गांव में लोगे तो आपको 30,000 से लेके 50,000 तक इसका आगे आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा नॉर्मली का। और थोड़ा सा और ही लोगे तो आपको 1 लाख से 2 लाख तक देना पड़ेगा। और जो तीसरा है, अगर आप बहुत हाई फाई ले रहे हो तो आपको 3 लाख से लेके 5 लाख या उससे ज्यादा भी डिपॉजिट देना पड़ेगा उस रूम का। तो ये हो गया। उसके बाद फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर आपको नया आएगा और पुराना आएगा। तो अगर आप नया लोगे तो 50,000 तक आपको, 50 से 60,000 तक में मिल जाएगा पुराना सेकंड हैंड, और बहुत ज्यादा मिल भी जाता है। और अगर आप नया लोगे तो आपको 1 लाख से लेके 2 लाख तक में बनवाना पड़ता है। तो 1.5 लाख से लेके 2 लाख तक आपको बनवाना पड़ता है। और अगर आप 24/7 खोलोगे, मतलब 24 घंटे वाला, तो आपको कम से कम 3 लाख का फर्नीचर लगेगा। फर्नीचर हो गया। अब उसके बाद क्या आता है कि आपको DI को देना रहता है, ड्रग इंस्पेक्टर को देना रहता है कुछ पैसा, आपको बहुत सारा फ्रिज का देना रहेगा, पंखे का, उसके अलावा आपको प्रिंटर का, जितने भी थोड़े बहुत फालतू खर्चे हैं वो सब अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 50,000 लग जाएगा। और इसमें देखोगे तो आपको यहाँ पे 1 लाख तक लग जाएगा, यहाँ पे 2 से 2.5 लाख तक लग जाएगा, क्योंकि बोर्ड, सजावटी, लाइट जितनी बड़ी रहेगी उतना ज्यादा खर्चा रहेगा। उसके बाद अब आता है कि मेडिसिन रखना है, दवा रखना है। तो नॉर्मली अगर आप गांव में खोल रहे हो तो 1 लाख इनफ है मेडिसिन के लिए। और थोड़ा सा और जब अगर आप शहर में खोल रहे हो तो आपको कम से कम 2 लाख से या 2.5 लाख रखना पड़ेगा। और अगर 24/7 या हाई भी रख रहे हो तो कम से कम आपको 4 से 5 लाख आपको रखना पड़ेगा मेडिसिन के लिए। तो इतना आपको रखना पड़ेगा। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना कितना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप 50,000 समझो डिपॉजिट का, 50,000 समझो फर्नीचर का, 50,000 समझो आप DI और बाकी सबका, और 1 लाख ये। तो 1.5 लाख इधर और 1 लाख इधर, 2.5 लाख से 3 लाख में आप एक नॉर्मली मेडिकल खोल सकते हो, नॉर्मल अगर गांव में। और इससे कम भी खोला जाता है, यहाँ पे और भी कम कम होगा तो इससे कम भी खोला जाएगा। और अगर बात करें शहर की तो 1 लाख आप डिपॉजिट समझ लेते हैं, फर्नीचर का 1 लाख समझ लेते हैं, उसके अलावा 1 लाख तक आप समझ लेते हैं उसके सजावटी का, DI का 3 लाख हो गया, और बाकी 2.5 लाख मेडिसिन का। तो आपको थोड़ा अगर ऑरेंज में खोलोगे तो आपको 5-5.5 लाख में खुल जाएगा NN ऑरेंज में। अगर आप बात करें कि आप हाई फाई खोलना चाहते हैं, 24 घंटा वाला खोलना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले 3 लाख तक का डिपॉजिट और 3 लाख रुपए तक का आपको उसका जो फर्नीचर है, और उसकी जो फर्नीचर, अब क्योंकि बड़ा रहेगा तो फर्नीचर ज्यादा लगेगा, तो 3 लाख का फर्नीचर हो जाएगा। और 2 से 2.5 लाख का इसमें आपको उसका सजावट, ज्यादा लाइट लगेगी, क्योंकि बड़ा रहेगा तो ज्यादा लाइट लगेगी, ज्यादा बाकी पंखा, फ्रिज, AC सब लगेगा, तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपया उसमें लग जाएगा, ऊपर से जो DI को दोगे वो। और बाकी इसमें दवाई आपको ज्यादा बड़ा रहेगा 24/7, तो आपको दवा भी बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा, तो 4 लाख 5 लाख तक का दवा रखना पड़ेगा।
तो इधर 3, 3, 6, 2, 8, 4, 12 तो आप यहाँ पे 24x7 12 से 13 लाख या 15 लाख तक में खोल सकते हो। तो ये थे कि अगर आप मेडिकल खोलना चाहते हो तो नॉर्मली कितना इन्वेस्टमेंट होगा। नॉर्मली खोलोगे तो आपको 2.5 से 3 लाख खोल सकते हो या उससे कम भी खोलेगा गांव में, और अगर थोड़ा सा आप शहर में खोलोगे तो 5-5.5 लाख लगेगा। अगर आप बहुत अच्छा खासा खोल रहे हो और आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 12 से 15 लाख लगेगा। ये थे इन्वेस्टमेंट। अब हम जान लेते हैं कि मेडिकल स्टोर खोलने में आप कितनी कमाई कर सकते हो, कितनी बचत कर सकते हो। तो अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हो तो एक जो मेडिसिन है, कोई भी मेडिसिन हो गया, उसमें 24 से 25% डिस्काउंट रहता है। मतलब अगर आप 100 रुपए का खरीदे हो उसको, तो उसको आप 125 में बेच सकते हो। मतलब अगर 100 रुपए की चीज है तो आप उसमें 25 रुपए आपको मिलेगा, बेनिफिट होगा। एक 25% तो ये नॉर्मली रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो इंजेक्टेबल है, जो इंजेक्शन है, उसमें आपको 40 से 50% बचता है। मतलब अगर आप 100 रुपए का लिए हो तो आपको 40 रुपए उसमें बच जाएगा। जो इंजेक्टेबल रहता है या सर्जरी वाला रहता है उसमें आपको ज्यादा कमाई देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करूं स्कीम का, कुछ दवाइयां होती हैं उनमें स्कीम रहता है। जैसे मान लो कोई कफ सिरप है, और कफ सिरप क्या है, 10 पे आपको 2 फ्री है, और ये जो 10 है ये आपको एक जो पड़ रहा है 70 रुपए में पड़ रहा है। तो आप अगर जब 10 लोगे तो आपको 10 का हो गया 700, लेकिन ये जो 2 है ये फ्री देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको 2 फ्री हो गया, मतलब 70, 140 रुपया आपको यहाँ बच गया, और जब आप इसको बेचोगे तो इसका जो प्राइस होगा 110 रुपया होगा या 100 रुपया होगा। तो 25 रुपया एक बॉटल के पीछे इधर और 140 रुपया इधर, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे होगा है। उसके अलावा आप अगर पानी का बॉटल देख रहे हो तो पानी के बॉटल में 8 रुपए का आता है और आपको 20 रुपए में बेचोगे तो आपको 12 रुपया एक बॉटल में, मतलब 60 से 65% आपको पानी के बॉटल में मिलता है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो और एक लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जेनरिक, जेनरिक दवा। जेनरिक दवा जो होती है उसमें आपको कम से कम 70% बचत मिलता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। मान लो जो जेनरिक होती है, जो लोग गांव में अपने से जाते हैं मेडिकल पे, बोलते हैं मेरा सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है, ये हो रहा है, खांसी आ रही है, तो मोस्टली उनको मेडिकल वाले क्या दे देते हैं, जेनरिक दवा दे देते हैं। जेनरिक दवा में क्या रहता है कि वो आपको 10 रुपए का खरीदेंगे और उसको आपको 50 से 60 रुपए में देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे 10 रुपए का उसने खरीदा और 60 रुपए में दिया तो उसका डायरेक्ट 50 रुपए बच जाता है, मतलब 70% उसका बचत हो जाता है। तो जो लोग जेनरिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों मिक्स करके बेचते हैं उनमें अच्छा पैसा कमा लेते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन पे आ जाते हैं, मेन कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि अगर हम मेडिकल स्टोर खोले तो कितना बचेगा। तो आपको मैं सरल भाषा में बता देता हूं कि अगर आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हो तो अगर आपके दिन की, एक दिन की जो कमाई है आपको पूरा मिला के 5000 रुपया बच रहा है एक दिन का, और उस 5000 में आप जेनरिक और स्टैंडर्ड इंजेक्शन सब मिक्स करके दिए हो तो उसमें आपका कम से कम 1500 रुपये से 2000 तक बचत होगी, 2000 तक आपकी बचत होगी इस 5000 में, अगर आप जेनरिक और स्टैंडर्ड इंजेक्शन मिला के दिए हो। तो इस तरह से अगर आप दिन का 2000 बचा ले रहे हो तो 30 दिन का आप जोड़ोगे तो 60000 बच जाएगा, तो 60 के आप कमा सकते हो। तो ये डिपेंड रहता है कि आपका मेडिकल कौन से जगह पे है। अगर गांव में है, रूरल एरिया में है, तो आप मुश्किल से 2 से 3 हजार दिन का गल्ला बना सकते हो। अगर आपका शहर में है, सिटी में है, तो वहां पे आपको 5 से 10 हजार तक बना सकते हो। और अगर आप 24x7 खोले हो तो वहां पे आपको 20 हजार से लेके 40 हजार, 50 हजार या उससे भी ज्यादा आप बना सकते हैं। तो कुछ तरह इस तरह से आपका बिजनेस हो सकता है और इसमें ज्यादा मार्जिन है। यही कारण है कि आपको मेडिकल स्टोर बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी
मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। दूसरे में बताया इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आप कितना खर्चा लगा सकते हो, और जो तीसरा स्टेप मेरा था वो ये था कि आप कितना कमा सकते हो। मैंने आपको बहुत इजी वे में बताया है, शायद आपको समझ में आया हो गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पे डेली अपडेट देता रहता हूं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में।